पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि अगर कोई झूठ को सच बता रहा है तो आप जाने कि झूठ झूठ है, कहीं आप भी झूठ को सच, सच को झूठ ना समझने लगे। जो सच को झूठ, झूठ को सच बताता है वो इसीलिए तो बताता है ना, ताकि आप प्रभावित हो जाएं, ताकि वो आपको भ्रमित कर सके। आप भ्रमित ही मत होइए, उसको दिख जाएगा कि वो व्यर्थ ही कोशिश कर रहा है, कोशिश करना भी बंद कर देगा। आप पर जिस शस्त्र का असर ही ना पड़ता हो, कुछ समय बाद आप पर उस शस्त्र का उपयोग बंद कर दिया जाएगा ना। जो चाल आप पर सफल ही ना होती हो, धीरे धीरे वो चाल आप पर कोई चलाएगा ही नहीं। झूठ इसलिए प्रचलित है क्योंकि झूठ सफल हो जाता है। किसी ने झूठ बोला, दूसरे ने झूठ मान लिया। तुम झूठ मानो मत, झूठ विफल हो जाएगा, विफल हो जाएगा तो उसका प्रचलन भी मिट जाएगा। झूठ से दूसरे प्रभावित हो रहे हो तो ये बात तकलीफ की है ही। पूरी कोशिश कीजिए उन तक सच लाने की, पूरी कोशिश कीजिए कि जो लोग झूठ के शिकार हो गए हैं उन्हें सच बात समझ में आए। लेकिन दूसरों तक आप सच ला सकें, उसके लिए फिर दोहरा रहा हूं कि आवश्यक है कि सबसे पहले आप झूठ का शिकार होने से बचें। आपको सामना नहीं करना है, आपको बस अपने आप को बचाना है। पहला काम ये है, आपको झूठे आदमी से लड़ाई नहीं करनी है, झंझट नहीं करना है। पहला काम ये करना है कि झूठे आदमी के मिथ्या प्रचार पर विश्वास नहीं करना है। जैसे ही आपने उस पर विश्वास करना बंद किया, झूठ बोलने से उसको जो लाभ होता था वो कम हो गया ना। बहसबाजी मत करिए, बस ये दिखा दीजिए कि आप झूठ से अप्रभावित हैं। कोई व्यर्थ ही झूठ नहीं बोलता, उसे झूठ से लाभ होते हैं तब बोलता है ना। आप उसको लाभ देना बंद कर दीजिए।